अच्छा, एक भाई ने सवाल किया है, ये पूछ रहे हैं कि गुस्से में तलाक हो जाती है। देखिए, जाहिर सी बात है कि ये जो तलाक तो गुस्से में होगी, ऐसा तो नहीं है कि वो एक डिनर कर रहे हैं और बैठ के सारे एक एक बारबेक्यू पार्टी कर रहे हैं या कुछ बिरयानी खा रहे हैं और शोहर कहेगा मुझे बहुत मज़ा आया, चलिए मैं खुशी में तुम्हें तलाक दे रहा हूँ, चलो है वह तलाक 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 चला चला मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। जाहिर सी बात है गुस्से में एक तलाक गुस्से में ही होती है। अच्छा, अब ये चीज़ जो है ना, गुस्सा एक एक लफ्ज़ है, लेकिन जो गुस्से की एक ज़ीरो से लेके एक समझे कि एक 10 स्केल तक इसकी एक लिमिट होती है। एक गुस्सा होता है कि समझें कि गुस्से की होते हैं कि समझो कि दोनों में थोड़ी सी डिस्प्यूट हुई है या डिस्प्यूट होती रहती है और शौहर को गुस्से में कहता है देखो मैं तुमसे बिल्कुल खुश नहीं हूँ, देखो मैं बहुत सोच समझ के तुम्हें तलाक दे रहा हूँ, मैं तुमसे खुश नहीं हूँ और मैं चाहता हूँ किस रिश्ते को ख़त्म कर दूँ। इस किस्म का गुस्सा जो होता है कि यहाँ पे तलाक एक इफ़ेक्ट कर गई है, इट इज़ एक्टिव, एक तलाक हो गई है। अब चाहे वो अगर इसी गुस्से में वो कहता है कि देखो मैं तुमसे खुश नहीं हूँ और मैं ये रिश्ते को नहीं रखना चाहता, मैं तुम्हें तलाक 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 कह रहा हूँ, इस रिश्ते को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अच्छा, इसी दौरान में अगर वो 3 तलाक भी कहता है तो ये प्लीज़ पॉइंट टू बी नोटेड कि फिर भी एक तलाक ही होती है, क्योंकि हो सकता है कि इसके बाद उसका माइंड चेंज हो जाए और हो सकता है कि ही कैन टेक इट बैक, राइट। लेकिन प्लीज़ पॉइंट टू बी नोटेड, सबसे ज़्यादा जो तलाकों की वजह है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर घर की जो बर्बादी है उसकी सबसे बड़ी जो बुनियादी वजह है, दो चीज़ें हैं। जिस घर में ये दो चीज़ें नहीं है ना, उसका घर जो है समझो कि दुनिया में जन्नत है और आखिरत में भी उनको जन्नत नसीब होगी और दोनों इकट्ठे होंगे। इनकी जो मेन जो बुनियादी वजह है ना, वो है शौहर का गुस्सा, नंबर 2 औरत की ज़ुबान। लेकिन जो हमारी बहनें हैं, जो शौहर का गुस्सा है, इनसे भी जो सबसे ज़्यादा तलाकों की वजह है वो है औरत की ज़ुबान और औरत का गुस्सा। अब चाहे मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, अब जितने भी अमेरिका से लेकर या दुनिया भर में जो सबसे ज़्यादा डाइवोर्स की तलाक की वजह बन रही है, वो सिर्फ इस चीज़ की वजह से बन रही है क्योंकि जो ख़वातीन होती हैं उनकी ज़ुबान इतनी शार्प होती है जिसकी वजह से एक आदमी को भी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, जिसको अमेरिका में कहा जाता है अब्यूज़िव लैंग्वेज कहा जाता है, या उनको कहा जाता है एक वायलेंट लैंग्वेज है या अब्यूज़िव बिहेवियर कहा जाता है। अब समझे कि होता क्या है कि एक शौहर बाहर से आया है, उसको शायद कोई चीज़ नागवार गुजरी है, ना ट्राई टू अंडरस्टैंड द होल लॉजिक, एक शौहर बाहर से आया है तो हो सकता है उसको कोई चीज़ नागवाज हो रही है, उसको अच्छा नहीं लगा तो उसने थोड़ी बहुत डांट डपट कर दी, ठीक है। यहाँ से घर में प्रॉब्लम शुरू नहीं होता, प्रॉब्लम शुरू होता है जब उसको औरत पलट के जवाब देती है। अब ये औरत की जो पलट के जवाब देने ना, ये जड़ है घर की बर्बादी की। यहीं से जिस घर में एक बीवी में बात करने का अखलाक है, उस मर्द की ज़िंदगी एक जन्नत जैसी है, वो घर भी जन्नत है। जिस घर में एक औरत की ज़बान है और गुस्सा है, उस मर्द की ज़िंदगी बहुत ही ख़राब है। अब जिस घर में समझे कि एक औरत को बात करने के तमीज़ है, जिस घर में औरत में गुस्सा नहीं है, उसको बात करने के मैनर्स हैं, डिसिप्लिन है, बात करने का एक शऊर है, उसमें बात करने की हिकमत है, इस घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता। ये लड़ाई झगड़े की जो घर में जो बर्बादी होती है, सिर्फ एक समझें कि जब एक आदमी अगर गुस्सा कर रहा है, ठीक है, अगर उसको उसकी बीवी पलट के जवाब नहीं देती, समझे कि मामला यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, थोड़ी देर बाद वो ठंडा हो जाएगा, मामला ख़त्म, बैक टू नॉर्मल। फिर क्या होता है कि जब वो मामला ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद जो है वो जो बीवी है उसको एक स्लाइटली अच्छे तरीके से उसके पास बैठ के एक शऊर से, एक अच्छी हिकमत से, उसे मोहब्बत से बात कर सकती है, व्हाट वाज रॉन्ग एंड व्हाट वाज नॉट रॉन्ग, एक नाइसली बात कर सकती है। अब होता क्या है कि शौहर घर पे आया या शौहर ने कुछ हुक्म किया, औरत ने बात नहीं मानी, अब क्या होता है कि शैतान एक आदमी को अंदर से भड़का रहा है कि वो अपना एक कहते कि अपना रोब झाड़े औरत के ऊपर,
अब जो जो रोप झाड़ने की कोशिश करता है ना, अब आगे से जाहिर सी बात है उसको फूल तो मिलेंगे नहीं। अब जाहिर सी बात है आगे से और भी वो समझे कि जो खावतीन होती हैं उनकी ज़बान तो एक तलवार से भी बदतर होती है। समझे कि अल्लाह ताला ने एक मर्द को एक फिज़िकली पावर दी हुई है, लेकिन हमारी खावतीन को एक ज़बान की पावर काफ़ी होती है, इतनी उनको ताकत दी होती है। तो घरों की बर्बादी की वजह एक समझें कि एक आदमी का गुस्सा तो होता ही है, अब उसने शुरुआत की है। लेकिन वर इफ़ कि अगर बीवी पलट के जवाब ना दे, अगर वो जो पलट के जवाब नहीं देती, समझे कि उसका मामला यहीं पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन होता क्या है कि जब अगर शौहर ने अगर कुछ बात कर दी है तो एक बीवी को चाहिए जस्ट कूल डाउन एंड वेट अनटिल उसका टेम्पर कुछ कम हो जाए। जब उसका टेम्पर कम होगा देन शी कैन सिट विथ हिम एंड एक्सप्लेन हिम नाइसली। अब पता क्या होता है कि वो शौहर उसे कुछ कह रहा है, तुमने ये किया, तुमने ये किया, तुम्हें ये क्या कहे, तुम्हें तमीज़ नहीं है, तुम्हें फलाना 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 ढिमका ये फलाना। अब होता क्या है, आगे से बमबारी शुरू हो जाती है औरत की तरफ से। अब ये बमबारी होती है ना, यहीं से जो घर उजड़ने की वजह होती है। क्योंकि जब औरत पलट के जवाब देती है ना, आप समझो कि एक पहले ही थोड़ी सी आग जल रही है। आपने होता क्या कि औरत ने उसके ऊपर और पेट्रोल डाल दिया। अब पेट्रोल में क्या होता है, एकदम धमाका आ जाता है, दफ़ा आ जाए, मैंने तुम्हें तलाक दे दी, तुम्हारी कहानी ख़त्म, तुम बस दफ़ा ही हो जाओ मुझसे। अब फिर क्या होता है, जब दूसरे दिन सुबह उठते हैं, अब ना उसको पता है हुआ क्या था रात को, उसको ये नहीं पता है कि हुआ था क्या, अब दोनों के मुँह ठंडे हैं। अब होता क्या है पे, अब ये जो मैंने एक दूसरे लेक्चर में बात की थी कि तीन तलाक से एक तलाक होती है, अब होता क्या कि जिस मर्द ने तीन तलाक दे दी है वो बेचारा पछता रहा है। अच्छा, एक पॉइंट टू बी नोटेड, ये जितने भी तीन तलाकों के फतवे हो रहे हैं ना, इनके ऊपर मेरी पब्लिक से दरख्वास्त है, प्लीज़ ऐसे उलमा से बच के रहें, अपने घरों को ना उजाड़ें। क्योंकि अल्लाह ताला ने, आई मीन इट्स रियली लॉजिकल टू अंडरस्टैंड, जब एक आदमी को गुस्सा आ रहा है, मोर देन 85% से 90% मेरे पास इतने मैसेजेस आते हैं कि हमने तीन तलाक दे दी है और हम पछता रहे हैं। दुनिया में इतने घर उजड़ चुके हैं सिर्फ उलमा के फतवा की वजह से, क्योंकि उन्होंने तीन तलाक दे दी, अब फारिग हो गए हैं। लेकिन मोर देन 90% मर्द हजरात ऐसे हैं जो बेचारे पलट के वापस आते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब टेम्परी तौर पे एक बॉम्ब फट रहा है, बॉम्ब फटने के बाद थोड़ी देर बाद जब गुस्सा ठंडा हो जाता है, फिर वो पछता रहे, मैंने तीन तलाक दे दी है, मेरा रिश्ता ख़त्म हो गया है। इसी पॉइंट की वजह से प्लीज़ ये पॉइंट बी नोटेड, तीन तलाक से तीन तलाक नहीं होती, ना रिश्ता ख़त्म होता है। और दूसरी बात है, अगर तलाक एक भी हुई है, प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट, अगर गुस्से में तलाक एक भी हुई है, अब उस एक तलाक को भी पहले ये जांच पड़ताल करना पड़ेगा, उसको पूरा पहले समझना पड़ेगा कि जो एक भी अगर दी है तो वो भी हुई है या नहीं हुई है। अब हुई है नहीं हुई है, मोस्टली लाइक जनरल आंसर टू दैट इज़ हो गई है। लेकिन किसी आलिम को ये नहीं चाहिए कि राइट अवे फतवा देने की, हाँ तुम्हारी एक तलाक हुई है। पहले एवरी आलिम हैज़ टू, किसी भी मुफ्ती को या किसी भी हजरात को, जितने भी दीन सिखाने वाले टीचर्स हैं, इनके ऊपर ये फ़र्ज है, इट इज़ वेरी ऑब्लिगेटेड टू देम, पहले अगर मर्द ने अगर एक तलाक दी है, पहले उस सिचुएशन को देखें कि ये जो एक तलाक हुई है ये भी अगर सही तरीके से हुई है नहीं हुई है। आप समझें कि किसी शौहर ने, अब बात मैं कर रहा था कि गुस्से की एक लिमिट होती है, एक थोड़ा गुस्सा होता है, एक मीडियम गुस्सा होता है, एक हाई लेवल का गुस्सा होता है जिसको समझ के एक ग्रेड 10 कहते हैं। जो लाइटली गुस्सा आता है वो इंसान के होश हवास काबू में आते हैं, जब मैं तुम्हें गुस्से में तलाक दे रहा, मेरी तुम्हारे साथ नहीं बनेंगी और बेहतर है कि हम इस रिश्ते को ख़त्म कर दें, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ, तलाक तलाक तलाक, ठीक है। अब इस इंसान का ये नहीं कह सकते वो दूसरी सुबह उठ के कहेगा कि मैंने तलाक नहीं दी थी, बिकॉज ही इज़ इन अ नॉर्मल एंगर, उसका एंगर जो है, उसका गुस्सा है वो नॉर्मल एंगर में है। लेकिन एक और गुस्सा है, वो गुस्सा ऐसा है, दफ़ा आ जाओ मुझे तुझसे तलाक दे रहा हूँ मैं, तुम बस तुम दफ़ा आ जाओ मेरी ज़िंदगी से, दफ़ा आ जाओ बस तुम, मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ, तलाक तलाक तलाक। अब एक तलाक ऐसी होती है, ये भी तलाक के फैक्ट्री होती है। एक होता है पागलपन वाली तलाक, दफ़ा आ जाओ तुम, दफ़ा आ जाओ, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, जस्ट गेट आउट। ये जो गुस्सा होता है कि आप समझे कि ये टोटली ही एक पागलपन वाला गुस्सा होता है। एंड दिस इज़ द थ्री रूलिंग्स ऑफ द तलाक। एक होता है नॉर्मल, जिसमें इंसान में थोड़ी समझ आती है, नंबर सेकंड होता है उसमें भी थोड़ी समझ आती है, लेकिन एक होता है पागलपन वाला। अच्छा, ये जो थोड़ा सा नीचे वाला लेवल होता है, इसकी जो
तलाक होती है, दिस इज़ अफेक्टेड। जो सेकंड वाली है, दिस इज़ ऑल्सो अफेक्टेड। नंबर थ्री जो लेवल होता है वो एकता है टोटली पागलपन। अब ये जो पागलपन क्या होता है कि पागलपन को टेम्परेरी होता है थोड़े वक्त के लिए। अब वो दूसरी सुबह उठता है, बोलता है अगर उसने तीन तलाक़ें भी दिए ना, फॉर एन एग्ज़ाम्पल अगर उसकी एक बहुत ही पागलपन में तलाक है, पहली बात है कि वो एक भी तलाक नहीं हुई, प्लीज़ पॉइंट टू बी नोटेड, ये एक भी तलाक नहीं हुई। अब जो फर्स्ट लेवल है, जो सेकंड लेवल है, अगर उस आदमी ने तीन तलाक भी दी है या एक तलाक भी दी है, वो इफ़ेक्ट कर गई है। नंबर वन पहला लेवल, नंबर टू सेकंड लेवल, दिस इज़ इफ़ेक्टेड हो गई है। लेकिन अगर उसने तीन तलाक भी दी है, अब तो समझो कि फिर भी उसकी एक तलाक इफ़ेक्ट हो गई है। लेकिन ये जो तीसरा लेवल होता है कि टोटली ही एक लूजिंग हिज कंट्रोल एंड ही इज़ इन एक्सट्रीम एक्सट्रीमली एंगर मूड में है, तो समझो कि दिस इज़ नॉट इफेक्टेड नॉट इवन वन, तो एक भी नहीं होती। अच्छा फिर क्या होता है कि अगर जो पागलपन वाली तलाक होती है ना, ये मोस्टली जो हमारे भाई हैं सबसे ज़्यादा, ये क्या होता है कि फिर जब दूसरी सुबह उठते हैं फिर इनका मूड ठंडा होता है, फिर इनका दिमाग ठंडा होता है। अब वो रो रहे हैं, बीवी भी रो रही है, तुमने मुझे तीन तलाक दे दी। अब इनकी बर्बादी यहाँ नहीं होती, इनकी बर्बादी असल होती है जब ये फतवा लेने के लिए दूसरे लोगों से चले जाते हैं। वो बोलते हैं हाँ जी तुम्हारी तो रिश्ता ख़राब हो गया, तुम्हारा तो रिश्ता टूट गया, इतने ये इतने बग़ैरत उलमा हैं, ये अपने मज़हब को नहीं छोड़ रहे हैं और अपने इनके जो बुज़ुर्ग कह के गए उनको नहीं छोड़ रहे हैं, किसी मज़हब को नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन घर को नहीं देख रहे हैं कि लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि ये भी तलाक हुई है या नहीं हुई है, पहले इस चीज़ को एक जान पड़। आप समझिए कि अगर कोई तलाक के बारे में सवाल करता है ना, तो हमें उससे कम से कम 10-20 सवालात पूछने पड़ते हैं बेस्ड। आप समझिए कि जैसे एक गोल्ड होता है, हम गोल्ड को पता नहीं वो केमिकल के साथ टेस्ट करते हैं, फिर उस गोल्ड को क्या होता है कि किसी कसौटी पर रगड़ना पड़ता है, किसी और केमिकल में डालना पड़ता है, हम उसको तब तक उसका रिज़ल्ट नहीं दे सकते जब तक हम उसको पूरा एक जो केमिकल स्केल्स होता है उसके ऊपर हम पूरा टेस्ट पे नहीं डालेंगे। आई कैन नॉट गिव माई फतवा, आई कैन नॉट गिव माई रोलिंग अनटिल आई नो द होल सिचुएशन व्हाट इज़ गोइंग ऑन। तो होता क्या है कि ऐसे लोग जो होते हैं वो जाके उलमा के पास चले जाते हैं, जी हमारी तलाक हुई नहीं हुई है या नहीं हुई है, वो बोल देते हैं जी तुहाड़ी तलाक हो गई है, तुहाड़ी फेल हो गए है, तुहाड़ा घर उजड़ गया है, हूँ तुम जाके हलाला कराओ, तुम ये करो, तुम फलाना करो, ढिमका करो। वहीं पर एक आदमी को चाहिए जूता उठाए, ऐसे उलमा के सर पर मारे। पहली बात यह कि ऐसे जो मर्द हज़रात होते हैं जिनको जिनका घर नहीं उजड़ा, इनके ऊपर ज़िम्मेदारी है ऐसे उलमा के पास ना जाएँ। ख़ास तौर पर इनसे गुजारिश की जाती है कि ऐसे फ़िरका वाले उलमा के पास ना जाएँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया तलाक़ मर्रतान, ठीक है, तलाक दो दफ़ा है, फिर अल्लाह ने इसमें बीच में एक गुंजाइश रखी है। अब समझे कि दिस इज़ रियली लॉजिक पॉइंट टू बी नोटेड। एक एक आम इंसान को भी ये चीज़ पता होगी कि जब इंसान का गुस्सा ठंडा होता है वो कहता है, अच्छा समझे कि किसी के साथ आपके दोस्त के साथ झगड़ा हुआ है, ठीक है, जब झगड़ा होता है ना दूसरी सुबह फिर दोबारा एक दूसरे को कॉल कर देते हैं, हाँ भाई यार सॉरी मैंने तुमसे ये कहा था मैंने, दिस इज़ वेरी इलॉजिकल आंसर। कि जितने भी घरों में तलाकें होती हैं मोर देन 90% लोग आते हैं, आई हैव थाउजेंड्स हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस, दिस इज़ द सेम थिंग, हमने तलाक दे दी है और अब हम पछता रहे हैं। मोर देन 90% पूरी दुनिया पर समझे कि जितने मुसलमान हैं यहाँ पे यही चीज़ हो रही है। मोर देन 95% या 90% लोग होते हैं वो वापस पलट के आते हैं कि आई वॉन्ट टू एक्सेप्ट माई वाइफ बिकॉज मैंने उससे मैं तलाक दे दी। फिर क्या होता है कि ये उलमा के पास चले जाते हैं, जितने फ़िरके वाले उलमा हैं इनके पास जाके पूछते हैं कि जी मैंने अपनी बीवी को मैंने गुस्से में तलाक दे दी। अब वो जाहिल आलिम है ना, जाहिल आलिम की पहचान यही है, उसको डायरेक्ट आंसर कर देगा कि हाँ तुम्हारी तलाक हो गई है, तुम फारिग हो, बस तुम्हारे घर उजड़ गया, जाके तुम हलाला कराओ। इनके कहता हूँ कि बस अल्लाह इनका इनको इनकी इनकी मगफरत करें क्योंकि इनका भी कसूर नहीं है, इन्होंने जिस वो सिस्टम ऑफ एजुकेशन से तालीम ली होती है, ये भी वो लोग कहते हैं, ये लोग कर दे गिव यू डायरेक्टली आंसर, हाँ तुम्हारी तलाक हो गई है। इनको पहले चाहिए कि दे हैव टू स्पेंड द टाइम, जो काउंसलिंग के लिए अगर समझे कि मेरे पास अगर कोई क्लाइंट आता है ही आस्क मी अ क्वेश्चन, तो कि सर मैंने अपनी बीवी को तलाक दे दी, क्या मेरी तलाक हो गई है ना, मैं उसको अगर डायरेक्टली मैं ये नहीं कह सकती कि हाँ तुम्हारी तलाक हुई है नहीं हुई है, पहले मुझे ये देखना है कि वट इज़ द सिचुएशन, वट इज़ गोइंग ऑन, और कैसे तलाक दी थी, किस बेस पर तलाक दी थी, क्या बीवी को हैज था, बीवी प्रेगनेंट थी या
तुम्हारी क्या हालत है। सो हमें उनसे एक बहुत से एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं, बेस्ड ऑन देयर आंसर्स फिर मुझे उनको जवाब देना पड़ेगा कि हाँ तुम्हारी तलाक एक भी वाकया हुई है या नहीं हुई। एक भी पहले एक एक अगर एक भी हुई है नहीं हुई, ये बेस्ड ऑन दैट, क्योंकि इसमें एक रिजू का चांस रखा गया है। सो यू कैन डू अ रिजू बैक, इट्स ओके। अगर एक भी तलाक हुई है देन देखें ये नौबत आने की वजह क्या है। ये नौबत आने की वजह है एक मर्द का गुस्सा, नंबर दो एक औरत की ज़बान। लेकिन जिस घर में अगर आदमी में थोड़ा बहुत गुस्सा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो घर उजड़ने की डोमेस्टिक वायलेंस की जो सबसे बड़ी बुनियादी वजह है वो है औरत की ज़बान। अच्छा अब मैं दूसरे टॉपिक की बर्बाद करता हूँ, औरत ज़बान क्यों चलाती है। आप समझें कि कुछ ऐसे होते हैं अब्यूज़िव वर्ड्स यूज़ करती है, हार्श वर्ड यूज़ करती है, बिटर टॉन्टिंग वर्ड यूज़ करती है, एक्यूजिंग करती है। अब ये ऐसे जो वर्ड्स होते हैं एक शोहर को एक नागवाज गुजरते हैं। अब जब उसको नागवाज गुजरते हैं तो आदमी समझे कि ऐसा होता है कि उसके गुस्से के ऊपर किसी ने एक पेट्रोल डाल दिया। अब जो पेट्रोल डालेंगे गैसोलीन डालेंगे ऊपर से एक माचिस की तीली पहेंगे तो क्या होगा। अब ऐसा तो नहीं होगा वो ठंडा होगा, वो एकदम धमाके की तरह फट पड़ेगा। अगर यही अगर हमारी जो बहनें हैं अगर अपनी ज़बान पर काबू रखें तो ये नौबत कभी भी नहीं आती। अब ये वजह है कि औरतें ज़बान चलाती ही क्यों हैं, इसकी काफ़ी वजूहत होती हैं। एक तो ये होता है कि मोस्टली जो जो इनका मंथली पीरियड्स होते हैं इस दौरान में शौहर को ही हैज़ टू बी केयरफुल। इस दौरान में एक शौहर को समझना चाहिए, अगर वो दना किस्म का है उसमें अगर हिकमत है तो उसका समझना चाहिए कि ये जो दौरान होता है ना तो औरत एक बहुत सेंसिटिव स्टेज में होती है। आप देखें दुनिया में जो जितने भी औरतें जेल में हैं इनमें सबसे ज़्यादा जो अमेरिका में देखा गया है, अब जो दूसरी दुनिया को मुझे नहीं पता लेकिन अमेरिका में ये देखा गया कि जितनी मेजॉरिटी औरतें जेलों में हैं इन्होंने अपने जो जो मंथली पीरियड था इस दौरान में इनसे क्राइम हुआ है। क्योंकि होता क्या कि जब एक औरत हैज में होती है, क्योंकि क्या होता है कि जब इंसान नापाक होता है ना उसका साथी एक शैतान आके उसके साथ लग जाता है जब तक वो नापाकी की हालत में। अब शैतान की कोशिश होती है कि ये जो कुछ दिनों का टाइम फ्रेम है ना इस टाइम फ्रेम में यही मौका है इससे कुछ ऐसा करवा दो कि कोई बहुत बुरी बर्बादी हो जाए। यहाँ समझो कि ऐसे भी देखेंगे जो एक्सट्रीमली वायलेंट हो जाती हैं, जो अब्यूजिव हो जाती हैं, तो इसमें इस दौरान में एक शौहर के पास अगर हिकमत है ना सो ही हैज़ टू बी केयरफुल। उसको थोड़ा ही केयरफुल होना पड़ेगा कि क्योंकि मेरी बीवी का जो मंथली पीरियड जा रहा है सो आई हैव टू बी केयरफुल कि मैं अपनी बीवी से एक मोहब्बत से अखलाक से पेश आऊँ। और ये है कि कोशिश करें कि शौहर जो है घर के कामों में एक बीवी का हाथ बटाएँ और बीवी को परेशान ना करें, तंग ना करें जब तक उसका हैज़ ख़त्म ना हो जाए। एक तो वजह ये हो गई। अब दूसरी वजह ये है कि एक औरत का एक बैकग्राउंड से एक चेंज चली आ रही है। अब समझिए कि एक जो औरत है ना अगर उसकी माँ ज़ुबान दराज है, वो अपने शौहर के साथ बुरा करती थी ना, तो बाय नेचुरली एक जेनेटिकली जरासीम होते हैं जो उस बेटी के अंदर जाएंगे, उस बेटी के अंदर जाएंगे नेचुरली। अगर उस बेटी को अपने ऊपर काबू नहीं है वो भी अपने शौहर के साथ वही करेगी। लेकिन अगर अपनी जो नानी होती है, जो नानी को भी अगर हिस्ट्री चेक करेंगे उसमें भी सेम चीज़ मिलती है। अगर नानी की माँ को चेक करेंगे तो वही सेम चीज़ मिलती है। सो दिस इज़ लाइक ए चेन कमिंग अप। अच्छा ये चेन ब्रेक कहाँ पर होगी, चेन ब्रेक कहाँ पर होगी जहाँ पर एक घर की खातून अपने आप को एक पूरी इस्लाम में ढाल ले और कुरान को इतना पढ़े कि उसके नफ्स को उसके दिमाग को जो है ना एक चेन ब्रेक हो जाए। आप समझें कि अगर ये चेन ब्रेक नहीं होगी तो बाय नेचुरली क्या होता है कि जो जो औरत है जो बहन है उसकी अगर बेटी पैदा होगी ना दिस इज़ वेरी नेचुरल शी विल डू द सेम थिंग टू हर हस्बैंड। फिर क्या होता है जो उसकी बेटी होगी दिस विल बी कीप गोइंग द होल चेन इज़ लाइक दैट बैकग्राउंड से चले जाते हैं। अब कुछ ऐसी ख़वातीन होती हैं जिनमें हिकमत होती है, अपने शोहर से बात करने की तमीज़ होती है, मैनर्स होते हैं, डिसिप्लिन होता है। अब उनकी बेटी उनसे नेचुरली ये चीज़ अडाप्ट करती है कि उनकी माँ कैसी है, उनको माँ को
एक बेटी को सिखाने की ज़रूरत नहीं है कि बेटा तुम अपने शौहर से आराम से बात किया करो, या तुम ऐसे, शी डज नॉट हैव टू टीच, क्योंकि उसकी अगर माँ उसके अपने शौहर के साथ अच्छा ट्रीट कर रही है, एक हिकमत से बात कर रही है, एक अच्छे लहजे में बात कर रही है, एक अच्छे मिजाज में बात कर रही है, अगर वो शहर को शौहर को अपने सर का ताज समझती है, आप समझें कि जिस तरह एक अल्लाह ताला ने एक माँ को ज़रिया बनाया, एक एक आदमी की जन्नत का ज़रिया, इसी तरह हमारी जो बहनें हैं इनमें ये बहुत ख़राबी है, इनको ये पता नहीं है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शौहर है ये औरत की जन्नत है या उसके लिए जहन्नम है। आप समझें कि ये वो गुनाह है जिसकी, समझें कि ऐसी मिसाल ले लें कि अल्लाह ताला उनको इतना जलाता रहेगा, इतना जलाता रहेगा, वो जलती रहेंगी जलती रहेंगी जलती रहेंगी कि कोयला बनेंगी, अल्लाह उनको फिर ज़िंदगी देगा, वो फिर कोयला बनेगी, फिर उनको ज़िंदगी। मैं मिसाल दे रहा हूँ कि इस किस्म की सिचुएशन होगी, लेकिन बेस्ड ऑन उन्होंने जो एक कलमा पढ़ा होगा, शिर्क नहीं किया होगा, फिर इस बेस के ऊपर जो है अल्लाह ताला उनको फाइनली एक बख्शिश कर देगा, जहाँ मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है। लेकिन ये हमारी बहनें समझ लें कि जो जो शौहर की इज्जत होती है, ये आप समझें कि बाप से। देखिए जिस तरह एक आदमी की जो जन्नत का ज़रिया होता है वो उनकी माएँ होती हैं, इसी तरह जो ख़वातीन हैं इनकी जन्नत का ज़रिया उनका शौहर होता है। अच्छा, ये एक और चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, औरतें ऐसा क्यों करती हैं? औरतों की, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये कि इनके जो मंथली पीरियड होते हैं इस वजह से उनको बेकाबू होती हैं। दूसरा ये है कि उनकी माएँ ऐसी हैं, और क्योंकि उन्होंने जैसी वो खुद हैं वो नेचुरली वही चीज़ उनकी बेटियों ने अडॉप्ट किया है, और उनकी नानी भी ऐसी है, नानी की माँ भी ऐसी है, उनकी पड़नानी भी ऐसी, सारी एक समझ के पीछे से एक बदतमीज़ों की, एक ज़ुबान दराज़ों की, एक माँ की एक चैन ही चली जाती है। ऐसे आदमी की जो ज़िंदगी है ना वो एक जहन्नम है, जहन्नम। आप समझिए कि वो ज़िंदगी में कभी भी सुख नहीं पाएगा जहाँ पे एक ज़ुबान दराज औरत रहती है, जहाँ पे एक इज़्ज़त नहीं है। अच्छा, होता क्या है कि इसमें जो मर्द का कम किरदार होता है और औरत का ज़्यादा किरदार होता है, क्योंकि दे आर द मोर विक्टिम ऑफ शैतान देन द मैन। क्योंकि होता क्या कि एक तो हैज़ का भी पीरियड, एक तो हैज़ का भी टाइम होता है, दूसरा क्या कि बैक से चेन रिएक्शन चला आता है, बल्कि अच्छा माएँ क्या आती हैं, माएँ क्या जानबूझ के अपनी बेटी को ऐसा सिखाती हैं? माएँ जानबूझ के अपनी बेटी को सिखाती नहीं है, लेकिन होता क्या है कि इसकी भी काफ़ी वजूहत होती हैं। इसकी वजह यह है कि उनके घर का माहौल कैसा है, क्या माँ ने कभी अपनी बेटियों को ये बिठा के तालीम दी है कि शौहर की इज़्ज़त क्या आती है? अब जाहिर सी बात है, जो माँ अपने शौहर के साथ बदतमीज़ी कर रही है वो अपनी बेटी को क्या सिखाएगी? वो जाहिर सी बात है, वो एक समझो कि पैदा हो गई है, स्कूल गई है, उठा के शादी कर देते हैं, ना कभी तहजीब सिखाई, ना अखलाक सिखाया, ना बात करने की तमीज़ तक नहीं होती, ये हालत होती है, क्योंकि इट्स नेचुरली कमिंग फ्रॉम द बैक। लेकिन जिस घर में एक इस्लामिक तालीमात होती है, उन माओं को पता होता है कि हमारी जो बेटी है ये पूरी जो आने वाली नस्ल है उसका एक बीज होता है। एक जो लड़की होती है, लड़की एक समझे कि एक पूरा शहर, एक पूरा मुल्क बनने का एक छोटा सा बीज होता है, लेकिन अगर वो बीज ख़राब है ना, आप समझे कि पूरी आने वाली नस्ल एक एक ऑटोमेटिकली बर्बाद है। एक अच्छी, एक समझदार दना, एक हिकमत वाली औरत की पहचान क्या है? वो हमेशा अपने बच्चों को बैठ के तालीम देती हैं, उनको बात करने की तमीज़ सिखाती हैं, अखलाक सिखाती हैं, उनके दिल में अल्लाह और रसूल की मोहब्बत डालती हैं, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहानियाँ सुनाती हैं या दूसरे पैगंबरों की कहानी सुनाती हैं। समझे कि एक दीन वाला माहौल होता है। अब जिस घर में ये बदतमीज़ी होती हैं, ये समझे कि इट्स कमिंग फ्रॉम द बैक एंड। तो लेकिन अगर जब औरत को ये कहा जाता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी औरतों का जो उनके लिए जो शौहर है या तो वो जन्नत का ज़रिया या एक जहन्नम का ज़रिया, तो ऐसी बहनें अपना खुद फ़ैसला कर लें। जितनी भी बहनें हैं वो खुद अपने आप से पूछें, क्या आपका शौहर आपसे राज़ी है? आप अपने दिल से, आपका दिल इंशाअल्लाह ताला गवाही देगा कि आपका शौहर आपसे राज़ी है। कुछ शौहर ऐसे भी होते हैं वो कहते हैं कि चलो ठीक है मैंने दरगुजर कर दिया है, लेकिन ठीक है एक शौहर अगर दरगुजर करता है, लेकिन ना वर अ पावर इन द आइज़ ऑफ अल्लाह द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अल्लाह ताला की नज़र में ये जो कर रही हैं, एक शौहर ने तो चलो माफ़ कर दिया आपको, क्या बदतमीज़ी कर रही हैं, बदअखलाकी कर रही हैं, वो तो माफ़ कर देता है, लेकिन वर अ पावर इन द आइज़ ऑफ अल्लाह,
चलिए मैं टॉपिक कहीं और तरफ ले गया, टॉपिक शुरू हुआ था क्योंकि दूसरी बातें भी ऐड कर देते ताकि लोग दूसरी चीज़ों से भी एक बेनिफिट ले लें। लेकिन सवाल ये पूछा गया था कि गुस्से में तलाक होती हैं, एक गुस्से का लेवल होता है। अब ये होता क्या है कि गुस्से का भी एक लेवल होता है, और हमारे जितने भी उलमा हैं उनसे एक दरख्वास्त है कि अगर आपके पास कोई तलाक का मसला आता है, पहले अगर आप कोई फतवा दे रहे हैं या कुछ, आप किसी को डिसीजन, फाइनल डिसीजन डिसाइड कर रहे हैं, किसी की ज़िंदगी का सवाल है, आपकी डिसाइड, आपके डिसीजन से किसी का घर उजड़ सकता है, बच्चे उजड़ सकते हैं, बच्चे लावारिस हो सकते हैं, किसी का ख़ानदान बर्बाद हो सकता है एक जाहिलाना फतवे की वजह से। पहले अगर आपके पास मसला आता है तो मेरी जितने भी उलमा हैं उनसे दरख्वास्त है, पहले उनके सवाल का एक, उनको एक जनरल आंसर जो है वह है तलाक हो गई है। लेकिन एक आलिम को चाहिए कि इसके साथ ही उनको ये भी कहे कि हमें ये भी देखना पड़ेगा कि वो जो एक तलाक है वो हुई है या नहीं हुई है और किस सिचुएशन ही है। सो वी हैव टू गो टू ऑल द लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। सो वंस वी गेट ऑल द क्वेश्चंस देन वी आर एबल टू गिव द फाइनल रूलिंग एंड वी आर एबल टू गिव अ फाइनल फतवा दैट ये तलाक हुई है या नहीं हुई है। और अगर तीन भी दी है तो एक हुई है, अगर एक भी दी है वो भी अगर हुई है या नहीं हुई है पहले भी जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो जो नीचे लेवल का गुस्सा होता है कि नॉर्मल बात हो रही है, थोड़ी सी डिस्प्यूट हुई है, अगर शोहर मियाँ बीबी में ऑलवेज कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, ऑलवेज डिस्प्यूट हो रहा है, तो उनको चाहिए आपस में बैठ के इस तरह बात करें कि देखें हमारा रिश्ता चल नहीं सकता, मैं चाहता हूँ कि आप भी अपनी ज़िंदगी नई शुरू कर लें, मैं भी अपनी ज़िंदगी नई शुरू करूँ, तो बेहतर है कि मैं इस रिश्ते को ना ख़त्म कर रहा हूँ और मैं आपको तलाक दे रहा हूँ। अगर वो तलाक एक दे रहा है या तीन भी दे रहा है, इट वुड बी काउंटेड एज अ वन। दूसरा है मीडियम का, मैंने वो भी आपको समझा दिया कि किस किस्म का गुस्सा होता है, इसमें भी तलाक इफेक्ट हो जाती है। एक होता है पागलपन वाला गुस्सा, पागलपन वाले गुस्से में तलाक होती ही नहीं है, चाहे वो एक दे या तीन दे होती नहीं है। तो जितने भी हज़रात हैं इनसे मेरी दरख्वास्त है कि जितनी उलमा के पास जाते हैं प्लीज़ ऐसे उलमा के पास ना जाएं, उसके पास जाएं जो एक हिकमत वाले हैं, जो पहले आपको सवालात पूछें, जो आपको डायरेक्टली आंसर दें ना, आप समझ जाएँ कि ये इसमें इतनी हिकमत नहीं है कि किसी को सही तरीके से बात कर सके। हर आलिम का चाहिए कि जब भी वो फतवा दें, जितने आप किसी के पास फतवा लेने जा रहे हैं कि हमारी तलाक हुई नहीं हुई है, ऐसे आलिम को चाहिए कि पहले उनके सारे सवालों की लिस्ट खोले कि किस सिचुएशन में हुई है, कैसी। अब ये थोड़ी है कि एक इंसान बेहोश पड़ा हुआ, बेहोशी में तलाक हुई है, अब जो सवाल पूछने वाला वो पूछ रहा है कि इसने मुझे तलाक दे दी है, तो वो फतवे में कह देगा भाई आपका रिश्ता टूट गया। उसने ये भी नहीं पूछा कि आपकी किस हालत में तलाक हुई है, क्या वो शौहर किस हालत में था, क्या उसका हवास काबू थे, सिचुएशन कहती है। सो वी हैव टू गो थ्रू ऑल द लिस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बिफोर वी इशू आवर रूलिंग। तो अगर कोई गुस्से में तलाक दे रहा है तो ये भी एनालाइज करना पड़ेगा, ये भी वी हैव टू गो थ्रू ऑल द लिस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कि ये तलाक हुई नहीं हुई। अभी जो फर्स्ट लेवल वाली तलाक है वो भी हो गई, दूसरा लेवल है उसमें भी हो गई। लेकिन अगर कोई कह रहा है कि मैंने पागलपन में तलाक दी है, सो दिस इज़ नॉट अफेक्टिंग, क्योंकि उसका दिमाग काबू नहीं है, वो एक टोटली लॉस इज कंट्रोल एंड एवरीथिंग, तो उसको काबू नहीं है। अब होता क्या है कि ये भी पॉइंट टू बी नोटेड, ये जो तलाकों के फतवा देने वाले लोग हैं इनको ये नहीं पता कि घरों की जितनी घर उजड़ रहे हैं पाकिस्तान, इंडिया में, बांग्लादेश में, या मेजोरिटी मैनी कंट्रीज़ हैं, बट मोस्टली ये देसी कंट्री में हो रहा है, लाइक इंडो पाकिस्तान बांग्लादेश वगैरह जैसी कंट्री में ये हो रहा है कि समझें कि ये फतवा लेने के लिए चले जाते हैं कि हमारी तलाक हुई है या नहीं हुई, तो क्या होता है कि उनको फतवा मिल जाता है कि आपकी तलाक हो गई है। तो उनको पहले ये देखना चाहिए कि उनकी तलाक हुई है नहीं हुई है, क्योंकि होता क्या है कि अगर वो उनका घर उजाड़ दिया, लेकिन अगर जो जो वेरी कॉमन आंसर है दिस इज़ दिस कि मेजोरिटी मोर देन 95% लोग जो है वो पछताते हैं कि हमने तलाक दे दी है। फिर अब जो 95% जो लोग पछता रहे हैं, अब जो जितने उलमा हैं उनको बता रहे हैं कि तुम्हारा घर उजड़ गया, तुम्हारा घर ख़त्म हो गया। मैं बता रहा हूँ कि मोर देन 95% जो पछता रहे हैं अब उनकी भी ज़िंदगी साथों में गर्क कर रहे हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया अत्तलाक मर्रतान, मैं तलाक दो दफ़ा है। आप समझें कि अगर आपने, अब अल्लाह ताला ने एक नहीं कहा कि अगर एक, अल्लाह ताला ने कुरान में ये नहीं कहा कि अगर एक दफ़ा में, अगर एक ही बैठक में तीन तलाकें शूट कर दी हैं तो आपका रिश्ता ख़त्म हो जाएगा, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि एक तलाक के बाद इद्दत का वक्त है, आपको ये गुजारना पड़ेगा। अब ये जितने भी उलमा फतवा दे रहे हैं, दे आर फॉलोइंग देयर एल्डर्स, दे आर फॉलोइंग देयर ओन मज़हब,
they are following their own firqa scholars. So basically they have to go through many logical questions to answer the answer properly. It's not that you can shoot the answer and you can destroy somebody's family. So pehle ye janna bahut zaruri hai ki agar usse mein talaq hui hai to jo kis halat mein talaq hui hai aur थोड़े गुस्से में तलाक हुई है, ज़्यादा गुस्से में तलाक हुई है, अगर ऐसा थोड़ी है कि वो जल्दी से किसी को फतवे कि तुम्हारा घर उजड़ गया, उसको बोला खुदा करे ऐसे उलमा का घर उजड़ जाए जो ऐसे फतवे देने वाले हैं, इनको पता नहीं। आई गेट अ लॉट ऑफ मैसेजेस कि जिसमें खवातीन मोस्टली जो होती हैं वो बेचारी फ़ोन के ऊपर इतना क्राई करती हैं और बददुआएँ देती हैं ऐसे उलमा को, और ऐसे कुछ उलमा हैं जो पाकिस्तान टीवी पर आते हैं, मैं अभी किसी का नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने मुझे डायरेक्टली कंप्लेंट किया कि ये जो उलमा हैं ये कितने लोगों के घर उजाड़ चुके हैं। तो बेसिकली उन उलमा का भी कसूर नहीं है, ये पब्लिक का कसूर है क्योंकि ये कुरान तो पढ़ती नहीं है, ना तो उसको अंडरस्टैंड करती हैं, ना उसकी तफसीर पढ़ती हैं, फिर बाद में उसमें और एनालाइज करें, फिर ऑल उलमा के साथ बैठ करें और इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा एक ओपिनियन इकट्ठी करें कि व्हाट इज़ द प्रॉपर आंसर फॉर दिस वन, तो ख़ुद जजमेंट करें, ना कि ये ना किसी के पीछे लगे अपने घर को ये बर्बाद कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।